तो भाई लोग आज हमारे गेम में आया एक न्यू इवेंट जिसका नाम है FFCS। तो उसके अंदर आपको टोकन्स कलेक्ट करने हैं, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अनलिमिटेड टोकन्स को कलेक्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल 100% वर्किंग ट्रिक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। और मेरे को पता है मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं ला रहा हूं, तो भाई इंटरनेट का कुछ इशू था, इसलिए भाई थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, तो इसलिए भाई वीडियो नहीं आ रही थी। अब रेगुलर वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और भाई थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को भी इग्नोर करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस, सबसे पहले आपको लगा लेना है क्लैश स्क्वाड बरमूडा। क्लैश स्क्वाड लगाने के बाद आपको गेम को स्टार्ट कर लेना है, पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, आपको एलिमिनेट नहीं होना। सबसे पहली चीज़ है एलिमिनेट नहीं होना। आपको बहुत सारे यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, उन्होंने कहा एलिमिनेट हो जाना, लेकिन भाई आप सभी को पता है एलिमिनेट होने के बहुत सारे नुकसान है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एलिमिनेट होते हो तो जो आपकी केडी रेशो होती है, मतलब जो आपका केडी रेट होता है, वो घट जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि केडी रेशो जो है, जितनी बार आप गेम खेलते हो उसमें जितने किल और डैमेज करते हो उसी हिसाब से आपका वो रेशो बनाया जाता है। तो भाई अगर आप ऐसे ही आउट हो जाते हो बिना किल करे, बिना डैमेज दिए, तो जो आपका केडी रेशो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपको एलिमिनेट नहीं होना है। आपको क्या करना है, देखो भाई, ये बड़े बड़े यूट्यूबर ने सबको कहा है कि एलिमिनेट होना है, ठीक है, आपको जल्दी आउट हो जाओगे और आपको टोकन मिल जाएंगे। तो भाई ऐसा मत करो ना, आप क्यों एलिमिनेट हो रहे हो, वो अपोनेंट वाली जो टीम है वो एलिमिनेट होगी, आप क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, क्योंकि उन दोनों, आपने भी देखा है वीडियो, एनिमी ने भी वीडियो देखा है, और दोनों ट्रिक अपनाते हैं और भाई क्या होता है लास्ट में, कोई जीतता है कोई हारता है, ठीक है। तो इससे बढ़िया आप एलिमिनेट मत हो, आपका जो है ओपोनेंट है, एनिमी है, वो एलिमिनेट होगा और आप विक्ट्री हो जाएगी, मतलब आपका भुया हो जाएगा। तो आपका ऐसे जल्दी भी हो जाएगा आराम से, और आपका जो केडी रेस हो वो भी उस पर ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो यही थी कुछ ट्रिक, मतलब कि आपको एलिमिनेट नहीं होना, पूरा गेम को अच्छे से खेलना है, चाहे 5-6 मिनट लगे आराम से खेल लेना। ये जो मैं गेम खेल रहा हूँ अभी, ये जो मैच लगा है, ये मैंने कम से कम 5 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया था, और जो मेरा मतलब जो टोकन है वो भी मेरे को मिल गया था। तो भाई ये सब ट्रिक को मत अपनाया करो एलिमिनेट वाली, जिससे आपका वो होता है केडी रेशो बेकार हो जाता है, हर चीज़ उससे बेकार हो जाता है। तो ऐसे मत करो, हेडशॉट रेट, ये सब रेट आराम से आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। हेडशॉट रेट हो गया, विन रेट हो गया, ये सब चीज़ें आपकी बेकार हो जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ऐसी ट्रिक को यूज़ मत करना, जो आपकी एनिमी वाली टीम है वो यूज़ कर लेगी, तो आप जीत जाओगे आराम से और जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही थी एक छोटी सी वीडियो। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई जब भी लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, 300 सब्सक्राइबर की फैमिली होने वाली है, तो भाई जल्दी से कंप्लीट करा दो। एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।